टॉपिक में बात करेंगे कि आप दूसरे के मोबाइल में, दूसरे के लैपटॉप में आप अगर इंटरनेट बैंकिंग ओपन करते हैं तो ये आपके लिए खास करके बनाए गए हैं वीडियोस। और जैसे कि आप यूपीआई, कुछ पेमेंट रिलेटेड, कुछ भी दूसरे का मोबाइल, दूसरे का फोन कभी यूज किए हैं और करेंगे तो इससे बच के रहिएगा। और क्यों इस पे स्पैम हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो भी मैं इस वीडियोस में आपको पूरी बताने वाला हूँ। तो उससे पहले बता दूं कि आप इस चैनल में नए हो तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि नोटिफिकेशन आते रहे आपके पास। और वीडियो हेल्पफुल हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, कुछ अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा। तो हम अपने मुद्दे में आते हैं। तो हमें अभी बात करना है इस विषय पे कि आप दूसरे का फोन पे, दूसरे का लैपटॉप पे, पीसी पे, दूसरे कंप्यूटर्स पे आप जब यूज करते हैं किसी का वस्तु या प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, तो आप उसमें कैसे हो सकता है ऐसा। तो आपको पता है कि यूपीआई में ज्यादातर ओटीपी खोजते हैं, जो कि नया से सेट करे तो, पुराना से हो तो ओटीपी नहीं खोजते हैं, डेबिट कार्ड का लास्ट का 6 अंक खोजते हैं, तो उसमें फर्क है। लेकिन आपको इंटरनेट बैंकिंग जो है वो बहुत ज्यादातर अभी इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आपको इंटरनेट बैंकिंग बहुत ज्यादा प्रोसेस हो रहा है। तो इसे मैं बता दूं कि हमारे जो मोबाइल्स में होते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग होते हैं, लैपटॉप में, मोबाइल में, पीसी में, बहुत सारे में स्क्रीन रिकॉर्डिंग होते हैं। हाँ, तो आपको पता होगा, बहुत सबको पता है, लेकिन उसको लोग अच्छे काम के लिए, ठीक है ठीक है, कुछ बुरे काम, बुरे तरीके से भी यूज करते हैं। जैसे कि आप किसी का फोन लिए, लैपटॉप लिए, आप उस पे अपना पासवर्ड और कुछ डाल के पेमेंट किए, ये किसी का ट्रांसफर किए, कुछ भी किए, तो उन्होंने सोच लो आपको देने से पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो आपको दिखता है वो हाइडन रहता है, जो आपको दिखेगा नहीं कि वो उसने, आप तो बहुत सारे कर लिए, ऑन कर लिए आपने, जो 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 टाइपिंग किए, जो जो यूजर आईडी मारे, सीआरएन नंबर, कस्टमर रेफरेंस नंबर मारे, ठीक है, उसके बाद आप जो पासवर्ड मारे वो भी ठीक है, लेकिन वहां पे जो कीबोर्ड में वो दिखाई देते हैं क्या कि आप दबाए हैं क्या नहीं, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो पूरा रिकॉर्ड होते हैं। हाँ, कि आपको जो अकाउंट ओपन होने का बाद जो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो अभी बैंक जो अप्रूव नहीं किए हैं कि हमारे बैंक का ऐप में जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलाउ हो, या स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप बैंक, जो कि पेटीएम, गूगल पे, ऐसे में किसी में भी आप स्क्रीन शॉट नहीं ले सकते हैं या स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन रहेगा लेकिन उस टाइम वो ब्लैक स्क्रीन पे कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ओपन होने से पहले जब आप सीआरएन नंबर एंड पासवर्ड डालते हैं तब वो ऑटोमेटिक ब्राउजर में स्क्रीन रिकॉर्डिंग होते हैं। तब आप जो उसको डालते हैं पासवर्ड और सीआरएन नंबर, तो वो उसमें शो हो जाते हैं। तो आपने एक बार ट्रांसफर कर दिया हो तो वन टाइम पासवर्ड, जो कि ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड आए तो आप यूपीआई करें तो वो आता है मैक्सिमम ओनली, अगर नहीं करे तो आप किसको पैसा दिए क्या किए, आपका जो पर्सनल प्राइवेसी जो वो शेयर हो जाते हैं, उससे आपको ब्लैकमेल भी कुछ, अगर ऐसा अगर ये भी नहीं किए तो दूसरा भी कुछ ईमेल आईडी अपना ओपन करके अपना जो फोटोज देखे, कुछ पर्सनल प्राइवेसी फोटोज होते हैं वो भी देखे, तो कुछ दूसरे का फोन पे अपना ईमेल आईडी, अपना वो बैंक अकाउंट, ये सब यूज अपना ना करें, क्योंकि ईमेल आईडी में भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट हमारा डॉक्यूमेंट रहता है जो कि प्राइवेसी अचीवमेंट में रहता है, जो हम उसे सभी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, तो वो सब भी शेयर हो जाता है स्क्रीन रिकॉर्ड के जरिए। तो आप इस पे ध्यान रखिएगा। और जो पासवर्ड में बोला कि सीआरएन नंबर और पासवर्ड डालते हैं, तो आपको सीआरएन नंबर पासवर्ड में कोई भी ओटीपी नहीं खोजते हैं, वन टाइम पासवर्ड नहीं खोजते हैं, क्योंकि आपका पास जो पासवर्ड डाले हैं आप सीआरएन नंबर के बाद इंटरनेट बैंकिंग पे, वो परमानेंटली वेरीफाइड हो चुका है, क्योंकि वो पासवर्ड आप ही को पता है, आप ही को पता है तो आप भी डाल सकते हैं उसको, तो इसलिए उस पर कोई वेरीफाइड नहीं किया जाता है। जितना आप अमाउंट चाहे आप पे कर सकते हैं और आपका यूपीआई नंबर भी उस पर आएंगे, तो आप सीआईएन नंबर का जो पासवर्ड होता है और ईमेल आईडी होता है उस पर, तो उसके बाद आपके इंटरनेट बैंकिंग में दूसरा कुछ ओटीपी नहीं खोजते हैं, डायरेक्ट कंफर्म ऑप्शन खोजते हैं और पे हो जाते हैं। तो आप इससे बच के रहिएगा, क्योंकि वो जो आप सेव कर दीजिए, आप तो चले जाएंगे या कुछ होंगे तो वो अपना मोबाइल से नहीं, तो अगर स्पैम करने का तरीका है दूसरा डिवाइस से आपको वो पासवर्ड यूज करें तो बैंक तो समझेंगे आप ही ओपन किए हैं, क्योंकि आप ही को पासवर्ड अभी पता है, तो बैंक वैसा कोई वेरीफाई नहीं करेगा बस, और उन्होंने लॉग इन करके आपका पूरा ट्रांसफर, क्योंकि अभी इंटरनेट बैंक से आप यूपीआई से अगर ट्रांसफर करें तो 1-2 लाख रुपए तक आपका ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड, अगर डेबिट कार्ड गुम हो जाए तो 20,000 तक ऐसा यूज कर सकते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से, लेकिन हम इंटरनेट बैंकिंग से 2 लाख तक यूज कर सकते हैं। तो आप इस पे बच के रहिएगा। और ईमेल आईडी भी नहीं ओपन कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा ईमेल फोटोज, गूगल फोटोज, ड्राइव में बहुत सारा ऐसा डॉक्यूमेंट रहता है जो हमें बहुत प्राइवेसी फील कराता है, जो हम इंटरनेट दुनिया में ऐसा हम लोग घुस चुके हैं जो कि हमारा जो भी इंपॉर्टेंट फाइल रहता है हम इंटरनेट में दबा के रख देते हैं।
तो इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और आप सब ये सब ना करें, इससे बच के रहिए स्कैम से, क्योंकि बहुत लोग दुरुपयोग करते हैं, बहुत लोग इसको उपयोग अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन बहुत लोग अलग माइंड से करते हैं। तो ये वीडियो हेल्पफुल हो तो आपको अच्छा लगे तो थैंक यू, और सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा।